गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट टू एक्टिविटी फोर एक्सप्लोरिंग पजल का एक्टिविटी फोर पेज नंबर 15. ओके, अडेप्टेड फ्रॉम द कैंटबरी पजल्स एंड अदर क्यूरियस प्रॉब्लम बाय हेनरी एंड्रेस ड्यूबनी, कॉपीराइट 1907. ये जो पजल्स है ये हेनरी ड्यू ने बनाया है, जो इनका जो कॉपीराइट है 1907 का है. इसमें पजल्स के बारे में बताया गया, उन्होंने जो पजल्स बनाए हैं उसके बारे में बताया है. लॉन्ग एगो देयर वॉज एन इन वेयर पिलग्रिम्स ऑफ्टन स्टॉप्ड ऑन देयर वे टू वर्शिप एट अ फेमस श्राइन. मतलब बहुत समय पहले की बात है. देयर वॉज ए इन मीन्स धर्मशाला बोलते हैं ना, जैसे जहाँ पे हम जाते हैं रहने खाने का, जहाँ पे हमें सुविधा होती है. जैसे हम कभी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो उससे पहले धर्मशाला रहती है ना जगह जगह पे, वहाँ पे ऐसा. वे आर पिलग्रिम्स मीन्स जो तीर्थयात्री जो होते हैं, जो उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स. ऑफन स्टॉप्ड ऑन देयर टू वर्शिप, मतलब वो अपनी जिनकी पूजा करने के लिए जा रहे हैं वो श्राइन, मतलब वो फेम जैसे कि तीर्थ स्थल को बोलते हैं, मतलब जो जगह हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं उसको. ड्यूरिंग द लॉन्ग इवनिंग एज दे रेस्टेड फ्रॉम देयर जर्नी, मतलब वो शाम की बात है, वो रेस्ट कर रहे थे अपनी जर्नी से, मतलब पैदल चलते चलते वो अपनी जो भी है जिससे भी वो जा रहे थे. जैसे कभी कभी को घोड़े पे जाते हैं कुछ लोग और कुछ लोग पैदल जाते हैं, और वो शाम वो जर्नी करते करते वो शाम को वो रेस्ट करने के लिए रुक गए थे. दे वुड टेल स्टोरीज एंड सम टाइम्स अम्यूज ईच अदर विद गेम्स एंड पजल्स. और वहाँ पे उस दिन वो दे वुड टेल्स, मतलब वो आराम करते थे जिस शाम को, वो अपने एक दूसरों को, मतलब एक 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 आध लोग तो नहीं जाते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, तो उसमें जब एक दूसरे को एंटरटेन करना रहता था तो वो क्या करते थे कि अपने एक दूसरे को स्टोरीज बताते थे. और मतलब एंटरटेनमेंट मतलब अम्यूज, मतलब एक दूसरे को एंटरटेनमेंट करते थे कि पजल्स खेलते थे, गेम्स खेलते थे. ऑन वन इवनिंग द कंपनी ऑल टर्न ऑफ द पार्टनर ऑन वन इवनिंग द कंपनी ऑल टर्न टू द पार्टनर. और वो जो कंपनी इसमें मीनिंग है वो जो ग्रुप जो जा रही है, और वो सब कहाँ गए, पार्टनर के पास गए. द पार्टनर पजल, नीचे दिया ना, द पार्टनर पजल. द जेंटल पार्टनर हु हैड जस्ट अराइव वेरी टायर्ड ऑल द वे फ्रॉम द रूम बैक टू बी अक्यूज्ड. और जो पार्टनर था वो बहुत अच्छा था, मतलब पार्टनर मतलब क्षमा भक्षी बोलते हैं ना, जिन्हें वो हर चीज़ जो गॉड की मतलब भगवान की जो बातें बताते हैं हमेशा, वैसे लोगों को पार्टनर बोलते हैं. Who had just arrived very tired all the way, मतलब वो रोम से आए थे और बहुत थक गए थे, तो वो बोले मुझे छोड़ दो थोड़े देर के लिए. तो बट द कंपनी वुड नॉट स्पेयर हिम, लेकिन जो कंपनी थी वो उनको, मतलब जो ग्रुप था जो उनको छोड़ ही नहीं रहा था. फ्रेंड्स एंड फेलो पिलग्रिम्स, मतलब फ्रेंड्स और जो मतलब उनको बोल रहे थे फ्रेंड्स और फेलो पिलग्रिम्स जो यात्री लोग थे, उनको बोले सेड ही ट्रूली द पजल, जो सही है ये पजल, आई हैव मेड इन पुअर थिंग्स, मतलब मैंने ये जो बनाया है वो बहुत मतलब अच्छी पुअर थिंग्स, बट इट द बेस्ट दैट आई हैव बीन एबल टू क्रिएट. और ये इसकी अच्छी बात क्या है कि मैंने इसे बनाया है. ब्लेम माई लैक ऑफ नॉलेज ऑफ सच मैटर्स इफ़ यू डोंट लाइक इट. और जैसे अगर ये पजल आपको पसंद नहीं आएगा तो इसमें आपकी गलती ही नहीं है कि ये आपको पसंद नहीं आई है, मतलब इसमें मेरी ही गलती है या मेरी कुछ खामी रह गई होगी. ऐसा उन्होंने बोला कि इसमें मेरी कुछ खामी रह गई होगी, मेरी नॉलेज में कोई कमी रह गई होगी कि ये पजल आपको पसंद नहीं आया होगा. वो उन पर नहीं बोल रहा है कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो ऐसा कि मतलब आपको आता नहीं है, ऐसा नहीं. वो अपने आप को बोल रहे हैं कि मेरी ही कमी रह गई होगी कुछ इसमें, कि जो आपको ये पजल पसंद नहीं आया या आया नहीं है. बट हिज इन्वेंशन वॉज वेरी वेल रिसीव्ड. और जो उनका इन्वेंशन था ये पार्टनर पजल वाला, ये बहुत लोगों को बहुत पसंद आया. ही प्रोड्यूस द कैंपेन प्लान एंड सेड दैट इट सिंबलाइज 64 टाउन्स थ्रू विच ही हैज़ टू पास.
और ये जो पजल है वो ऐसा सिंबलाइज किया गया है कि इसे 64 टाउन्स, मतलब जो एक एक बॉक्सेस आपको बुक में दिख रहा होगा वो एक एक बॉक्सेस बने हैं, वो 64 टाउन्स के बराबर है, मतलब एक टाउन, मतलब एक बॉक्स एक टाउन के बराबर। ड्यूरिंग सम ऑफ हिज पिलग्रिमेजेस ही सेट द लाइन कनेक्टिंग द टाउन्स रिप्रेजेंटेड रोड, और जो वो इमेजेस है पिलग्रिम के इमेजेस है, ही सेट द लाइन्स कनेक्टिंग द टाउन्स रिप्रेजेंटेड रोड्स, जो टाउन्स है उसके बीच में जो बॉक्सेस के बीच में जो लाइन है ना वो रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही एक्सप्लेन दैट टू सॉल्व द पजल, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब उस पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। वन हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द लार्ज ब्लैक टाउन, उसमें एक बड़ा बॉक्स दिया हुआ है ब्लैक कलर का, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। एंड विजिट ऑल द अदर टाउन्स वंस एंड वंस ओनली, मतलब एक बार ही हमें एक बॉक्स को एक ही बार क्रॉस करना है, दो बार नहीं। इन 15 स्ट्रेट पिलग्रिमेजेस, मतलब और जो हमें वो टाउन कैसे क्रॉस करना है कि हम एक बार स्ट्रेट लाइन लेंगे तो एक ही बार हमें स्ट्रेट लाइन लेनी, मतलब स्ट्रेट लाइन से ही 15 टाइम्स हमको वैसे करके कंप्लीट करना है वो। ही सेड द पजल वॉज टू ट्रेस द रूट इन 15 स्ट्रेट लाइन्स विथ योर पेंसिल, आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हो उसे ट्रेस करते हुए 15 स्ट्रेट लाइन से आपको क्रॉस करते हुए जाना है। ही सेड यू मे एंड वेयर यू लाइक, आपकी मर्जी, आपको कहीं भी आप एंड कर सकते हो, बट नॉट दैट अ लिटिल रोड एट द बॉटम हैज़ बीन ओमिटेड इंटेंशली, मतलब जो बीच में आपको देख रहे होंगे वो बॉक्स के बीच में एक बॉक्स ऐसा है जिसमें बीच में रोड नहीं है, तो आप उस रोड को उस वहाँ पे रोड नहीं है तो हम वो वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो दैट वे, मतलब वो बोल रहे हैं कि वो इम्पॉसिबल है कि हम वो रोड को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। रीड द स्टोरी केयरफुली टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग द पैडनर पजल्स, वर्क विद द पार्टनर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड टू सॉल्व द पजल। इसमें बोल रहा है कि मतलब ये जो स्टोरी को अच्छे से पढ़ो और जो उसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और जो सॉल्व करने के लिए पजल को वो अच्छे से पढ़ो। वर्क विद द पार्टनर, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ इसे समझो इस स्टोरी को और सॉल्व करने की कोशिश करो पजल को। Try to be the first in your class to solve it, और try करना कि आप अपनी class में सबसे पहले solve कर सको। If you finish quickly, go and help others to solve it too, अगर आप ख़त्म कर लेते हो तो दूसरों की help कर दो उन्हें ये puzzle solve करने में। अब हम puzzle देखते हैं तब मैं आपको clear हो जाएगा कि मैं आप actually बता क्या रही हूँ। ये जो puzzle है देखा आप लोगों ने, ये आपके बुक में भी दी हुई है ना टेक्स्ट बुक में, इसे ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। अब मैं इसे सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये जो उन्होंने क्या बोला कि एक बॉक्स जो है वो किसके बराबर है, एक टाउन के बराबर है। ऐसे कितने टाउन्स है, 64 टाउन्स है। हमें एक बार ही मतलब और स्टार्ट कहाँ से करना है, ये ब्लैक बॉक्स से स्टार्ट करना है। और इन्होंने क्या बोला है कि दूसरी बार और स्ट्रेट लाइन में ही लेनी है, दूसरे बार हमें टर्न मतलब स्ट्रेट लाइन लेते लेते ही हमें इसे इसको क्रॉस करना है, ओके। और एक ही बॉक्स को लेंगे, दूसरी बार मतलब एक बॉक्स में दो तीन बार हमें नहीं जाना है, ठीक है। अब देखो मैं स्टार्ट करती हूँ, देखो ये ब्लैक बॉक्स से बोला गया था, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये हमारी वन लाइन हो गई कम्प्लीट, ठीक है। ये हमारी वन लाइन, ये फिर यहाँ पे आए, ये हमारी सेकंड लाइन, ये फिर हम आए यहाँ पे, ये हमारी थर्ड लाइन, फिर ये फोर्थ लाइन हुई, ये हमारी फिफ्थ लाइन, ये फिर हमारी सिक्स्थ लाइन यहाँ पे आई, ये हमारी सेवेंथ लाइन। देखो यहाँ पे ये मैंने बोला ना ये दो बॉक्स के बीच में रोड नहीं है, ये हमारी सेवेंथ लाइन हुई, ये यहाँ पे हमारी एट्थ लाइन हुई। हमें कितना बोला 15 स्ट्रेट लाइन्स ही बनाना है, ये हमारी नाइन्थ, ये फिर 10, फिर यहाँ पे 11, ये हमारी यहाँ पे 11th हुई ना, ये इसके पास, ये अब हमारी 12th हुई, ठीक है। और फिर अब हम फिर से ऊपर जाएंगे, ये हमारी 13th लाइन, ये फिर 14th,
ये 14th लाइन हो गई, ये हमारी 15th लाइन हो गई कंप्लीट। देखो हम पहुंच गए ना यहाँ पे फिर से। तो ऐसे करके आपको ये कंप्लीट करना है। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैंने एंड किया है ये आपके बॉक्स ये हो गया, ये यहाँ पे जहाँ हमने पहुँचा ये हमारी टाउन है। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ से मैंने ऐसा स्टार्ट किया है तो आपका भी वैसे ही स्टार्ट हो। आपका स्टार्ट करना है एक ही स्टार्ट, तो हम एक ही स्टार्ट उन्होंने बोला है कि ब्लैक बॉक्स से स्टार्ट करना है, लेकिन एंडिंग हम कहीं भी कर सकते हैं। आप इस बॉक्स में भी कर सकते हो, इस बॉक्स में भी कर सकते हो, एंडिंग आपकी मर्जी, आप कहीं भी कर सकते हो। लेकिन एक बार में हमें एक ही बॉक्स क्रॉस करना है, बार बार एक बॉक्स को बार बार क्रॉस नहीं करना है। ओके ठीक है, आई होप ये पज़ल आपको क्लियर होगा।